वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक टीम इंडिया लगातार कैसे जीतती चली जा रही है ये उनसे देखा नहीं जा रहा। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का एक कैच मोहम्मद शमी ने क्या छोड़ा, लोगों को मौका मिल गया और सोशल मीडिया की अदालत में उनको सजा सुना दी गई और भर भर के गालियां मोहम्मद शमी को पड़ने लगी। और ये गालियां किसको पड़ी, उस शमी को जिसने सेमीफाइनल को अकेले दम पर 7 विकेट लेकर इंडिया को जिताया था। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं लकी और आप देख रहे हो लकी टॉक्स। दोस्तों कहते हैं प्यार और क्रिकेट में कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता, बात तो सही है। देखो ना, आज से 20 साल पहले 2003 में ऑस्ट्रेलिया लगातार 10 मैच जीतकर और इंडिया लगातार 8 मैच जीतकर फाइनल में भिड़ी थी, जहां इंडिया को हार का स्वाद चखना पड़ा था। वहीं आज कहानी एकदम उल्टी है, इंडिया लगातार 10 मैच जीती है और ऑस्ट्रेलिया 8, और दोनों टीमें कल अहमदाबाद में भिड़ेंगी। वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक टीम इंडिया लगातार कैसे जीतती चली जा रही है ये उनसे देखा नहीं जा रहा। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का एक कैच मोहम्मद शमी ने क्या छोड़ा, लोगों को मौका मिल गया और सोशल मीडिया की अदालत में उनको सजा सुना दी गई और भर भर के गालियां मोहम्मद शमी को पड़ने लगी। और ये गालियां किसको पड़ी, उस शमी को जिसने सेमीफाइनल को अकेले दम पर 7 विकेट लेकर इंडिया को जिताया था। लेकिन इन मुट्ठी भर चमन चंपुओं को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया की कमियां ही निकालनी है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप हार गई तो ये लोग खुशियां मनाते दिख जाएंगे। वैसे हमें भरोसा है अपनी टीम इंडिया पर कि वो इनको कोई भी मौका देने वाली है नहीं। खैर, इन अकल के पैदलों से हम बाद में निपट लेंगे, क्योंकि हमें अपने इन 11 योद्धाओं पर उतना ही भरोसा है जितना कि मुसीबत में फंसे एक इंसान को इंडियन आर्मी के जवान दिखने पर होता है कि यार बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए ये बंदा तो मुझे निकाल ही लेगा। इसलिए ध्यान रखिए, कल के मैच में खुदा ना खास्ता अगर कुछ दाएं बाएं भी हुआ तो इन खिलाड़ियों को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि उस वक्त उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने भी वाला है, क्योंकि हम सेमीफाइनल खेलने नहीं कंगारुओं को पेलने जा रहे हैं। तो देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। वर्ल्ड कप फाइनल पर एक मजेदार प्रीव्यू मैं इसी चैनल पे लेकर आऊंगा, तो चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की प्लेलिस्ट है तो उनको भी जरूर देखें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।